हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एनके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम कर रहे हैं डीएलसीसी जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, जो कि अपना चल रहा था कंट्रोल सिस्टम। तो उसी श्रृंखला में आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम। अपन आज जानेंगे कि ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम होता क्या है। ओपन लूप क्या होता है, क्लोज लूप क्या होता है। तो ओपन लूप होता है जैसे कि अपन किसी भी सिस्टम को इनपुट दिया तो वो प्रोसेस होके आउटपुट में अपन को कुछ वैल्यू देते हैं। जैसे कि अपन ने इनपुट में कुछ भी दिया, जैसे कि अपन इमर्सन रोड ले लेते हैं, अपनी पानी गर्म करने की रोड होती है वो ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसको इनपुट दिया, एक बार स्विच को ऑन कर दिया तो वो कंटिन्यू चलती रहेगी, पानी को उबाल देगी, गर्म करती रहेगी। उसका काम है पानी को गर्म करना, मतलब इनपुट दे दिया अपने विद्युत धारा की सप्लाई दे दी उसमें, तो वो आउटपुट के तौर पे अपन को उसका काम है कि आउटपुट पानी गर्म करना, तो पानी गर्म करती रहेगी और लेकिन उसमें कोई कंट्रोल नहीं रहेगा अपना, वो गर्म करती रहेगी तब तक उसको स्विच को बंद नहीं करेंगे, तब तक इनपुट को बंद नहीं करेंगे। जैसे कि वॉशिंग मशीन का भी यही रोल रहता है। वॉशिंग मशीन का क्या रहता है, इसमें कपड़े डाल दिए, अगर कपड़े स्विच ऑन कर दिया कपड़े धुलते रहेंगे। ऐसे नहीं कि कपड़े धुल गए तो ऑटोमेटिक बंद नहीं होगी, वो इनपुट दिया तो वो चलती रहेगी। हालांकि उसमें टाइमर जरूर आता है कि कुछ समय के बाद वो बंद हो जाती है, लेकिन वो एक मतलब वैसे कंट्रोल नहीं होता उससे भी कंट्रोल नहीं होता। वो तो टाइम ड्यूरेशन के बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, लेकिन उससे ये पता नहीं चलता है कि कपड़े कितने धुल गए तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। इसी प्रकार ट्रैफिक लाइट भी जितनी देर के लिए जलाते हैं, जैसे कि शाम को जब चीज़ जलानी होती है तो ऑन कर दो और जब तक जलती रहेगी तब तक उसको बंद नहीं किया जाता तब तक। इसी प्रकार से मिक्सर, यूनिवर्सल मिक्सर होती है, उसको भी अपन ऑन कर देंगे। अगर किसी भी चीज़ को अपन बारीक से पीसना है तो मिक्सी को ऑन कर देंगे, मिक्सर चलता रहेगा, लेकिन उससे ये पता नहीं चलता है कि उसमें जो भी मटेरियल डाला है वो पिसा गया तो ऑटोमेटिक बंद हो जाए, या बारीक पिसा गया है, कितना पिसा गया है, उसमें कोई फिल्टर सिस्टम नहीं होता है। इसी प्रकार से अपना फैन, लाइटिंग फैन में भी ये सिस्टम होता है कि फैन में अगर इनपुट सप्लाई दिया तो स्विच को ऑन किया तो चलता रहेगा। ये नहीं है कि अगर टेम्परेचर कम हो गया, ज़्यादा हो गया, ऐसे नहीं, ऑटोमेटिक उसको मैनुअली करना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार से अपनी घरेलू लाइट को भी जब आपको जरूरत होती है तब ऑन करना पड़ता है, तब इनपुट दिया जाता है तो आउटपुट मिलता है, सीधी सी बात ये। यहाँ पर कोई भी फीडबैक सिस्टम नहीं होता है, मतलब इसकी कोई भी ऐसी फीडबैक नहीं होता है कि कुछ समय बाद में या कुछ जैसे ड्यूरेशन अपने रिक्वायरमेंट जो होती है वो जरूरत पूरी होने के बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है इसमें। जैसे कि अपन पहले ओपन लूप को जान लेते हैं, पूरा ओपन लूप में अपन ने दे दिया एक पास कम से लेते हैं GS और इनपुट में दे दिया RS और आउटपुट में निकल गया अपना CS। तो इसी को बोलते हैं, इस क्रम से अगर सिस्टम चलता है तो ये होता है फॉरवर्ड पाथ। तो ये हो गया अपना फॉरवर्ड पाथ गेन, क्योंकि फॉरवर्ड इधर इनपुट से जाके आउटपुट तक एक सर्किट अपना पूरा होता है। तो इसकी ट्रांसफर फंक्शन होगा इसका GS बराबर CS अपॉन RS, यानी आउटपुट अपॉन इनपुट। इसी प्रकार से CS है, इसको इधर ले लिया, इसको इधर से मल्टीप्लाई किया तो CS बराबर हो जाएगा GS और RS। और इसी प्रकार से अपन दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल और, तो R1S और G1S और C1S, तो इसका हो जाएगा C1S बराबर G1S और R1S। ऐसे सीधे DFCC लेके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं कि क्लोज लूप क्या होता है। ये तो हो गया ओपन लूप की कहानी कि ओपन लूप क्या होता है। अब देखते हैं तो क्लोज लूप क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है। तो क्लोज लूप सिस्टम ये होता है कि इसमें वही सिस्टम रहता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में एक फीडबैक सिस्टम लगा रहता है। जैसे कि अपन का अपने एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं AC यानी एयर कंडीशनर AC, जैसे ही रूम का टेम्परेचर जितना मान सेट किया हुआ है, जैसे कि अपन को रिक्वायरमेंट है 25 या 23 या 21, जैसे जितना रिक्वायर्ड है उतना जरूरत पूरी होगी तो उसमें ऑटोमेटिक ही ऑफ हो जाएगी वो। जैसे ही रूम का टेम्परेचर
बढ़ा वैसे ही वो चालू हो जाएगी, वैसे बंद चालू का ऑटोमेटिक सिस्टम यानी इनपुट को कंट्रोल कर दिए हो, आउटपुट कि कितना आउटपुट देना है उसी प्रकार से उसको बनाए रखती है। जैसे ऑटोमेटिक तापमान नियंत्रक, ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोलर, उसमें एक रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज। अपना रेफ्रिजरेटर भी इसी प्रकार से होता है, उसमें टेम्परेचर सेट किया जाता है उसी प्रकार, जितना टेम्परेचर सेट किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग वो बंद और चालू होता है, कि ऑटोमेटिक बंद और चालू होता है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें आउटपुट तथा इनपुट के बीच में एक फीडबैक लगा रहता है, इसमें आउटपुट तथा इनपुट के बीच में एक फीडबैक लगा रहता है जो कि तुलना करता है। इसमें आउटपुट की तुलना, आउटपुट की इनपुट से तुलना की जाती है, इसमें आउटपुट की इनपुट से तुलना की जाती है कि इसमें कितना रिक्वायर है, कितना जरूरत है, कितना इनपुट दिया अपने और आउटपुट को कितना चाहिए, कि अपन को कितना चाहिए उस हिसाब से अपन को मिलेगा। इनपुट से ज़्यादा दे दिया तो भी अपन को जितना चाहिए उतना कंट्रोल रहता है उस फीडबैक के माध्यम से, उसको जाता है कि आपको इतना चाहिए, ये फीडबैक सिस्टम का होता है। अब अपन जानते हैं कि क्लोज लूप सिस्टम के अंदर आगे में नेक्स्ट में क्या होता है, होते हैं समिंग पॉइंट होते हैं इसके अंदर। तो समिंग पॉइंट में ऐसे होते हैं जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया सीवर, तो ये जानते हैं कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे फीडबैक के तौर पर यहाँ प्लस का निशान लगा रहता है, तो ये होता है धनात्मक फीडबैक। जैसे यहाँ पे दिखाया गया आपको सीवर और आउटपुट पे दिखाया गया सीवर सीटू और ये सीटू, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ये प्लस में आउटपुट मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी प्रकार से ये नेगेटिव दिया गया है तो सीवर आउटपुट में सीवर माइनस सीटू, ये धनात्मक फीडबैक। इसी प्रकार से नेक्स्ट ये आपका ट्रांसफर फंक्शन, ये आगे नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना क्योंकि यही है ना जो आगे बहुत सारे काम आएंगे। ये आर एस इनपुट में आर एस दिया गया है, ये समिंग पॉइंट है और ये जी एस लगा हुआ है प्रोसेस के तौर पे और ये आउटपुट यहाँ पे सी एस और फीडबैक के तौर पे दिया गया है एच एस, ये एच एस दिया गया है। तो ये होता है इधर से इनपुट से आउटपुट की तरफ जाने का रास्ता, ये होता है फॉरवर्ड पाथ, ये होता है फॉरवर्ड पाथ। इनपुट से आउटपुट की ओर जाने के जितने भी रास्ते होते हैं वो फॉरवर्ड पाथ होते हैं। इसके अंदर यहां से देखें यहां तक एक ही रास्ता है आउटपुट तक पहुंचने का, ये होता है फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ अपना आगे देखेंगे डिटेल से क्या होता है नेक्स्ट, इसमें एक ही फीडबैक लगा हुआ है। तो ये होता है एचएस, इसको बोलते हैं फीडबैक का गेन या फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन, इसको ही बोलते हैं। आगे देखेंगे इसको डिटेल से कि इसके अंदर कैसे ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन लिखी जाती है और कैसे क्लोज लूप के आगे क्वेश्चन बनते हैं, आगे देखेंगे अभी देखते हैं इसको। यहाँ पे हम देखते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। जैसे अपन ट्रांसफर फंक्शन तो पहले पढ़ चुके हैं, ट्रांसफर फंक्शन क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन के लिखने के लिए अपन ने ये डायग्राम बनाया था। इस डायग्राम का देख के उनको लिखना है सी एस अपॉन आर एस बराबर होता है जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस। यहाँ पे प्लस है तो ये होगा ऋणात्मक फीडबैक। जैसे कि प्लस का निशान किस लिए रहेगा, देखो ऋणात्मक फीडबैक से ऋणात्मक ये, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ये सूत्र लिखा जाएगा, इसमें प्लस का निशान आ जाएगा। प्लस और ये माइनस, ये मैटर करता है ऋणात्मक फीडबैक। यहाँ पे ऋणात्मक फीडबैक ये देख लो और यहाँ पे ऋणात्मक फीडबैक ये देख लो, ये इसका इक्वेशन है। अब इसी प्रकार से सी एस अपॉन आर एस बराबर जी एस अपॉन वन माइनस जी एस एच एस, तो ये हो जाएगा धनात्मक फीडबैक। धनात्मक फीडबैक किस से डिसाइड होता है, ये होता है इस माइनस के निशान से, ये माइनस का निशान ये दर्शा रहा है धनात्मक फीडबैक। धनात्मक फीडबैक में अगर समिंग पॉइंट है उसमें लिखा रहता है प्लस, ये ध्यान से देखना, ये रहता प्लस, ये होता धनात्मक फीडबैक। धनात्मक फीडबैक का इस प्रकार से इक्वेशन में चेंज होता है। जैसे कि अपने क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन को दिया गया आर एस बराबर वन अपॉन एस और जी एस बराबर आउटपुट में सी एस है और जी एस की वैल्यू दी गई है वन अपॉन एस, तो सी एस का मान ज्ञात करना है। सी एस का मान ज्ञात करेंगे तो सी एस बराबर जी एस आर एस, जैसे कि अपने ओपन लूप सिस्टम देखा था जी एस और एच एस, इसमें कोई फीडबैक सिस्टम नहीं है। फिर एक क्लोज लूप का अपन एग्जाम्पल देखेंगे इस प्रकार, तो जी एस की वैल्यू दी गई है जी एस बराबर वन अपॉन एस, तो ये वन
वन अपॉन एस टू वन अपॉन एस, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एस बराबर आ जाएगा वन अपॉन एस स्क्वायर, वन अपॉन एस स्क्वायर। ये एग्जाम्पल हो गया ओपन लूप सिस्टम का, ये हो गया ओपन लूप का। अब अपन देखेंगे क्लोज लूप का भी एक एग्जाम्पल देखेंगे कि क्लोज लूप सिस्टम में कैसे एग्जाम्पल होता है। जैसे कि आपको दिख रहा है अब क्लोज लूप सिस्टम का एक क्वेश्चन देखते हैं, ये अपने ओपन लूप का देख लिया, अब देखते हैं क्लोज लूप का। क्लोज लूप में क्वेश्चन आएगा क्लोज लूप सिस्टम में ऋणात्मक फीडबैक दिया है तो ट्रांसफर फंक्शन सी एस अपॉन आर एस ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो अपन को ये डायग्राम दिया गया, इसमें इनपुट दिया गया आर एस और ये समीकरण हो गया इधर प्लस, और ये जी एस दिया गया और ये आउटपुट में सी एस दिया गया और ये फीडबैक लगा हुआ एच एस, ये माइनस है। तो इसकी इक्वेशन लिख दीजिए सी एस अपॉन आर एस बराबर जी एस अपॉन वन, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस जी एस एच एस, जैसे कि आपको समझा दिया गया। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे अगर ये प्लस आ जाता, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता, यहाँ पे अगर प्लस आ जाता तो यहाँ पे ये माइनस होता, ये भी हो जाता धनात्मक फीडबैक। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता, जैसे क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर तीन लिख के ये हो गया धनात्मक फीडबैक। ये क्वेश्चन नंबर तीन देख लो, क्लोज लूप सिस्टम में धनात्मक फीडबैक दिया गया है तो ट्रांसफर फंक्शन सी एस अपॉन आर एस क्या होगा, ये धनात्मक फीडबैक मतलब ये प्लस अच्छा ना फीडबैक आ रहा है, ये पॉजिटिव का है। तो ये इक्वेशन लिखी जाएगी सी एस अपॉन आर एस बराबर जी एस अपॉन वन माइनस जी एस एच एस, ये बनता है क्लोज लूप से। ये आपका ओपन लूप और क्लोज लूप कंप्लीट हो गया है कि ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट देखेंगे अपन कंट्रोल सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू दोस्तों।